इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। So hello everyone, myself Mohammad Arbaaz Ahmad. I secured All India 85th rank in NEET 2020 and my state rank is 3rd in Karnataka. I scored 700 out of 720 in NEET 2020. So really it was a very difficult task. After 2 years of continuous efforts, because of my support of my college, parents, teachers, I am achieving this great success. जैसे सर अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था, तो जैसे शाइन में फ्री एडमिशन की, तो मेरा भी इंस्पिरेशन स्टोरी, माय स्टोरी इज आल्सो लाइक दैट। मैं एक पुअर बैकग्राउंड से हूँ। माय फादर 5 साल पहले उनको पैरालिसिस हुआ, तो ही वॉज ए लॉरी ड्राइवर, लेकिन पैरालिसिस के बाद कुछ खर्चा उठाना डेट वॉज नॉट पॉसिबल। तो मेरे बड़े भाई का एडमिशन भी शाहीन में हुआ और कम्प्लीटली उनका 2 साल फ्री एडमिशन लेके सर उनको मोटिवेट करें, और उनका स्टेट 25th रैंक था केसेट 2016 में। अब बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में MBBS अब ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। फिर उनसे इंस्पिरेशन लेके मेरा भी एडमिशन शाहीन में हुआ, और शाहीन में आने के बाद यहाँ का जो माहौल मिला, यहाँ सर से जो सपोर्ट मिला, मेरा भी फ्री एडमिशन मिला, क्योंकि फीस तो पे नहीं कर सकते थे। फ्री एडमिशन लिया और सर का सपोर्ट था, टीचर्स जो भी वहाँ पे हेल्दी कॉम्पिटिशन, वहाँ का जो माहौल था, सब वहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी के जो एजुकेशन मिला, जिससे मेरा ऑल इंडिया में 85th रैंक है और स्टेट कर्नाटका में 3rd रैंक है। यकीनन इसका जो क्रेडिट है सब पेरेंट्स, टीचर्स, खदीर सर, जो हमेशा से मोटिवेट करते रहे। अच्छे साथ में तो, अच्छे टाइम में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन डिफिकल्ट टाइम्स में साथ होना, ये यकीनन शाहीन से बहुत सपोर्ट मिला। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल्सो, लॉकडाउन में जब सब स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो चुके थे, लेकिन शाहीन से हमें सपोर्ट मिलता रहा। ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी टीचर्स जो थे हमारे फैकल्टी, जो भी टीचर्स थे वो हमेशा रेडी थे डाउट क्लैरिफाई करने के लिए। इवन रात में 11 बजे 12 बजे कभी अगर मैं डाउट पे जाऊँ तो इमिडिएटली सर का रिप्लाई आता था। तो अल्टीमेटली जो भी सामने आ रहा है रिजल्ट है, लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष है, जो मेहनत है, डेट वी एंड आवर कॉलेज नोस। सो रियली आफ्टर कंटिन्यूस एफर्ट्स, जो भी पेरेंट्स का जो सपोर्ट था, आफ्टर दिस आई एम अचीविंग माय सक्सेस। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ दोस हु सपोर्टेड मी इन द 2 इयर्स जर्नी, एंड आई ऑल्सो थैंक टू चेयरमैन सर डॉक्टर अब्दुल खदीर सर फॉर प्रोवाइडिंग मी सच ए एनवायरमेंट इन शाइन। थैंक यू। आई एम ए रेसिडेंट ऑफ बसवकल्याण तालुका इन बीदर डिस्ट्रिक्ट। सो अचीविंग दिस सक्सेस, एम्स दिल्ली में जाना बसवकल्याण से, रियली दिस इज अ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि बीदर डिस्ट्रिक्ट से शायद दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट टू स्टूडेंट्स आर, इवन दिस ईयर फ्रॉम कर्नाटका ओनली 2 स्टूडेंट्स गॉट सीट इन एम्स दिल्ली, एंड बोथ आर फ्रॉम शाहीन, आई एंड माई फ्रेंड कार्तिक रेड्डी। सेम क्लासरूम से इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना, रियली दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू अवर कॉलेज। वहाँ पे जो हेल्दी कॉम्पिटिशन था, डेट्स वाई वी अचीव्ड स्टेट फर्स्ट रैंक एंड 3rd रैंक इज फ्रॉम सेम क्लास। टू 10th स्टैंडर्ड आई वॉज इन लिटिल फ्लावर हाई स्कूल बसवकल्याण, इन फेमस इंग्लिश मीडियम। आफ्टर 10th आई जॉइन शाहीन, एंड द मेन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट शाहीन दैट नो, देर इज नो सेपरेट प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स प्लस नीट। Even both boards plus NEET, it is completely, when we join SHAHIN in day 1, from day 1 up to last day of examination, they continuously support us, whether it may be boards or it may be NEET or any other exams. So completely, just we have to follow the schedule of the SHAHIN. All plan is made by Khadir sir and all of our teachers. NEET के लिए completely जो मैं SHAHIN में जब join कर रहा था April 2018 में, तो April 2018 से पूरा लास्ट तक day 1 से NEET preparation SHAHIN में शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में इवन ये कॉमन हो गया आजकल के कोचिंग अलग हो रहा है और स्कूलिंग अलग, बोर्ड्स के लिए अलग, लेकिन SHAHIN में ऐसा सिस्टम नहीं है, बल्कि बोर्ड्स NEET completely सब SHAHIN में, सब शाइन में सेम है। और यकीनन दिस इज ऑल्सो, ये भी एक फैक्टर है हमारे रिजल्ट्स में, क्योंकि जब आप एक कॉलेज में अगर बोर्ड्स कर रहे हैं दूसरे कोचिंग से नीट, तो यू आर रियली गोइंग टू डिस्टर्ब, अलग टीचर से डेफिनेटली डिस्टर्ब होंगे।
जब आप सेम टीचर से ही पढ़ रहे हैं तो योर टीचर्स नो ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, जो भी हमारे डाउट्स रहते थे हमारे से पहले हमारे टीचर्स को ही मालूम होता था कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता, तो रियली डेट वॉज बेनिफिशियल। और शाइन में बोर्ड्स नीट्स कम्प्लीटली सब सेम है, बस 2 साल एडमिशन लेना है, बोर्ड्स नीट्स सब शाइन में हो जाएगा। हमारे इंडिया भर के अराउंड 42 फ्रेंचाइजीज ब्रांचेस में नीट में एडमिशन लेने वाले ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के बेसिस पे, उनके नीट के मार्क्स के बेसिस पे अप टू 100% फीस स्कॉलरशिप रहेगी। ये अराउंड 3000 स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट होगा। और वो पेरेंट्स जिनका ये पेंडेमिक में कोरोना की वजह से देहांत हुआ है वो ऐसे बच्चों को 100% ऑर्फन्स के लिए 100% फ्री रहेगा। और ये हम उनकी एबिलिटी के ऊपर यानी इस साल के नीट के मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप देंगे, इट गोज अप टू 100%। और ये इंडिया भर के हमारी 42 ब्रांचेस में अराउंड 3000 स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट लेंगे। ये इसलिए रखे हैं कि इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ हुई, कई लोगों को नेटवर्क नहीं था, किसी के पास फोन नहीं था, कहीं घर में डिस्टर्बेंसेस थे, एक रूम में 5-6 लोगों को रहने वाले भी लोग होते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, बड़े शहरों के लिए भी होते हैं, देहात के बच्चों को भी प्रॉब्लम हुआ है, तो कई स्टूडेंट्स अपना परफॉर्मेंस नहीं कर सके, उनको एक मौका मिलना चाहिए इस साल ख़ास तौर पर। आमतौर पर हमारे ऋषिकेश देसाई भी इस बात के खायल थे कि एक मरतबा रैंक आता है तो फीसेस बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाता है, तो हम ऐसा नहीं करते, हम उल्टा किए हैं, हम इस साल फीस कम किए हैं और स्टूडेंट्स को गरीब बच्चों को ज़्यादा मदद करने का तय किए हैं। और ये 5 करोड़ रुपये हम इस साल ज़रूर अराउंड 3000 स्टूडेंट्स को फी कंसेशन फी स्कॉलरशिप के तौर पर जब ये रिपीटर्स के लिए है नेचुरली, क्योंकि लेट प्रोसेस हो रहा है, अदरवाइज फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए भी हम ये ऑफर करते थे, फर्स्ट ईयर के एडमिशन पूरे हो चुके हैं। इंडिया भर में नीट रिपीट करने डी ड्रॉपर्स के लिए एक मरतबा फिर से नीट ट्राई करना चाह रहे हैं, उनको माहौल नहीं मिला इस साल, बहुत घर में डिस्कस करें और सारा ये 5 करोड़ की स्कॉलरशिप। बेलगाम में हमारा इंस्टीट्यूशन ये 3rd ईयर मुकम्मिल हुआ है और यहाँ पर नीट की कोचिंग बीदर ही के स्टाफ के जरिए, बीदर के मैनेजमेंट के जरिए यहाँ पर बेलगाम में हम नीट का बैच बनाए हैं। वहाँ के सीनियर प्रोफेसर जो यूपी से थे, लखनऊ से थे, जो बीदर में काम कर रहे थे, वो यहाँ शिफ्ट हुए हैं और अब यहाँ पे वो कल्चर वो डिसिप्लिन खास तौर पर हम यहाँ पर यहाँ के बच्चों के लिए देना चाह रहे हैं। प्राइम चौहान के नाम से मेडिकल कॉलेज के सामने, सिविल हॉस्पिटल के सामने है, अलग सोले बिल्डिंग में है और वहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट आ रहा, ये 3rd साल है और वही डिसिप्लिन कल्चर जो जैसा कि शाहीन में सक्सेस की वजह जो है गरीब अमीर सब रहते हैं, मोबाइल फ्री है, कोई बच्चा हमारा मोबाइल नहीं लाता और ऑटोमोबाइल फ्री है, यानी जिसके पास लाइसेंस नहीं होता उसको हम बाइक चलाने का परमिशन नहीं देते, तो मोबाइल फ्री है, ऑटोमोबाइल फ्री है, को एजुकेशन फ्री है, ट्यूशन फ्री है और स्टूडेंट्स को हार्डवर्क बनाना हम चाहते हैं और कोई शॉर्टकट तरीका अख्तियार नहीं करते, तो बच्चों को फोकस कराना, डिस्ट्रैक्शन से बचाना कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है, उसकी वजह से रैंक्स बढ़ जाते हैं। अभी तो हम सिर्फ PUC साइंस नीट एंड JEE की प्रिपरेशन के लिए ही कोर्सेज रखे हैं, फ्यूचर में आर्ट्स कॉमर्स को बहुत जल्दी ऐड करने वाले हम इनवाइट करते हैं लोगों को, NGOs को अपील करते हैं कि आगे बढ़ो, ढूंढो और हमारे पास भेजो, हमको उनकी सेवा करते हुए खुशी होगी